नकारात्मक सोच का रूपांतरण। चिंता का जन्म डर से ही होता है। यदि आप डर को अपने मन से निकाल फेंकेंगे तो चिंता पोषण की कमी से खुद ही मर जाएगी। यह सुझाव वैसे है तो काफी पुराना, पर अभी भी दोहराने योग्य है। इस समय हमें इसकी सख्त जरूरत है। कुछ लोगों का मानना है कि भय और चिंता को मारकर हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। मैंने कई बड़ी बड़ी पत्रिकाओं में ऐसे लेख पढ़े हैं जिसमें लेखक का मानना यह रहा है कि चिंता के बगैर हम जीवन में कुछ भी बड़ा नहीं कर सकते हैं। किसी भी कार्य में रुचि बनाए रखने के लिए चिंता का होना बेहद जरूरी है, चाहे ये बातें किसी ने भी कही हों। ये कोरी बकवास है। चिंता ने कभी भी किसी का भला नहीं किया, बल्कि यह तो सफलता के रास्ते की रुकावट है। काम करने के पीछे जो प्रेरणा होती है वह लालसा और रुचि से आती है। जब कोई किसी चीज की पूरी मन से लालसा करता है तो उसको पाने में रुचि स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है। इसके लिए वह हर मौके को पकड़ने की ताक में रहता है। इससे भी जरूरी, उसका मस्तिष्क अवचेतन सतह पर इस कदर काम करने लगता है कि नए नए विचार और योजनाएं उसके चेतन मन में अपना घर बनाने लगती हैं। अब अभिलाषा और रुचि वे घटक हैं जिनसे सफलता मिलती है। चिंता अभिलाषा नहीं हो सकती। यह बिल्कुल सत्य है कि जब किसी की परिस्थिति उसके लिए असहनीय हो जाती है तो वह उस परिस्थिति को बदलने और अपनी अभिलाषा को लागू करने के लिए बेचैन हो उठता है, मगर यह भी अभिलाषा का ही एक रूप है। व्यक्ति अपनी परिस्थिति में कुछ अलग चाहता है। जब उसकी यह अभिलाषा सुदृढ़ हो जाती है तो वह पूरी रुचि के साथ उसे पाने के लिए अपना सब कुछ झोंक देता है, और वह सब चिंता की वजह से नहीं होता। चिंता से तो संतुष्ट होकर वह अपने हाथ खींच लेता और धीरे से शोक मनाकर कुछ भी हासिल न कर पाता। अभिलाषा के काम करने का तरीका कुछ अलग है। असहनीय परिस्थिति में भी और मजबूत हो जाता है, और जब बात बर्दाश्त के बाहर हो जाती है तो और अब सहन नहीं होता और अब इसे बदलना होगा कहकर काम पर लग जाता है। मनुष्य निकृष्टम तरीके से बदलाव चाहता है। निकृष्टम से अर्थात जो कि सर्वोत्तम है। अपना ध्यान और रुचि निष्पादन में लगाकर वह आगे बढ़ता रहता है। चिंता से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। चिंता नकारात्मक और घातक है। अभिलाषा और लालसा सकारात्मक और जीवनदायिनी है। कोई व्यक्ति चिंता करते करते मर भी जाए तो उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, परंतु जब वह अपनी चिंता और असंतोष को लालसा और अभिलाषा में बदलकर मैं कर सकता हूँ और करूँगा के विचार के साथ जोड़ देता है, तब कुछ न कुछ हो जाता है। कुछ भी करने से पहले भय और चिंता से मुक्त होना जरूरी है। इस नकारात्मक घुसपैठिए को भगाने के लिए कदम उठाने होंगे और उन्हें विश्वास व आशा से बदलना होगा। चिंता को तीव्र अभिलाषा में बदल दीजिए। आपको रुचि के जागृत होने का एहसास होगा और फिर आप उन चीजों के बारे में सोचने लगेंगे जिनमें आपकी रुचि है। आपके मन के विशाल भंडार से विचार आपको मिलने लगेंगे और आपके काम से प्रकट भी होने लगेंगे, बल्कि आप दूसरों के समानांतर विचारों के सामंजस्य बिठाकर मदद के विशाल द्वार खोल सकते हैं। हर कोई अपनी मानसिक अवधारणा के अनुकूल ही विचार तरंगों को आकर्षित करता है। एक बार फिर वह आकर्षण के नियम का उपयोग करता है, जिससे उसकी मदद कर सकने वाले लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और वह उनकी तरफ जिनकी वह मदद कर सकता हो। आकर्षण का नियम कोई मजाक या कोई आध्यात्मिक बकवास नहीं, यह तो प्रकृति का ही एक जीवंत नियम है जिसे कोई भी इंसान प्रयोग और प्रयास से सीख सकता है। सफल होने के लिए आपके अंदर उसकी चाह होनी चाहिए। आकर्षण के लिए अभिलाषा का प्रकट रूप में होना बहुत जरूरी है। कमजोर लालसा वाला व्यक्ति शायद ही किसी को अपनी ओर आकर्षित कर सके। लालसा जितनी अधिक मजबूत होगी उतना ही बल उस पर काम करेगा। किसी भी इच्छा को पाने से पहले उसके लिए तीव्र कामना होनी चाहिए। यह लालसा किसी भी और लालसा से बड़ी होनी चाहिए। आपको कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना होगा। कीमत क्या है? कमजोर नकारात्मक पक्ष को निकाल कर बाहर फेंकना, यही तो कीमत है।
ताकि एक भव्य अभिलाषा की पूर्ति हो सके। सब आपकी कामना पर ही तो निर्भर करता है। जितनी बड़ी लालसा उतनी ही बड़ी कीमत। प्रकृति की भरपाई न्याय संगत होती है, मगर जब आप पूरी श्रद्धा से किसी चीज की कामना करते हैं तो उसके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं। यह लालसा शेष हर इच्छा को छोटा कर देगी। आपके हिसाब से आप किस चीज को पाना चाहते हैं, पर क्या आप उसके लिए वह सब कर रहे हैं जो कि आवश्यक है? धिक्कार है, आप अपनी लालसा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या आप इस चीज को वैसे ही पाना चाहते हैं जैसे कि कोई कैदी आजादी पाना चाहता है, जैसे एक मरता हुआ व्यक्ति जीवन की कामना करता है? किसी कैदी द्वारा आजादी की चाह में किए गए अद्भुत काम को देखिए। जरा सोचिए कैसे वे लोहे और पत्थर की दीवार को एक कंकड़ से तोड़ने में लगे रहते हैं। क्या आपकी लालसा इतनी ही दृढ़ है? क्या आप इसे पाने के लिए ऐसे ही लगे हुए हैं मानो आपके प्राण टिके हुए हों उस पर? बकवास, आप तो लालसा को जानते भी नहीं। मैं आपको बताता हूँ, जब कोई व्यक्ति कैदी के लिए आजादी या किसी मरणासन्न व्यक्ति के लिए जीवन की भांति लालसा रखता है ना, तो वह उन सभी रुकावटों को दूर कर देता है जो पहले अधिक प्रतीत होती थी। प्राप्ति की कुंजी लालसा, भरोसा एवं इच्छा शक्ति है, और यह चाबी अनेक द्वार खोल देगी। आपको भय से मुक्ति पानी ही होगी। मेरे जीवन में ऐसे कई क्षण आए जब मुझे भय ने घेर लिया था। मेरे जीवन पर इस कदर भय हावी हो जाता था कि मेरी आशा, रुचि, अभिलाषा, लालसा सब खत्म होते जाते थे। मगर ऊपर वाले की कृपा से मैंने हर बार इस दानव को उखाड़ फेंका, और फिर परिस्थितियां स्वतः ही ठीक हो गईं। या तो मुश्किलें स्वयं ही खत्म हो गईं, या मुझे उसे दूर करने के साधन मिल गए। पता नहीं यह कैसे होता है। मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आखिरकार हम विश्वास और साहस के सहारे उनका सामना करते हैं और उनसे बाहर निकल ही आते हैं। फिर हम यह सोचते हैं कि आखिर डर किस बात का था। यह पूरी कल्पना नहीं बल्कि एक महान नियम है जिसे हम भले ही पूरी तरह न समझ सके, पर इसका सत्यापन तो कभी भी कर सकते हैं, है ना? लोग अक्सर यह पूछते हैं, आप नई सोच वाले व्यक्तियों के लिए चिंता मत करो कहना बहुत आसान होता है, मगर वह आदमी क्या करे जो अपने सामने आने वाली सभी संभावनाओं के बारे में सोचकर थोड़ा परेशान हो जाता है। मैं यही कहूँगा कि भविष्य में आ सकने वाली परेशानियों के बारे में अभी चिंता करना उस व्यक्ति की मूर्खता है। हम जिनके बारे में चिंतित रहते हैं उनमें से अधिकांश तो होती ही नहीं, बाकियों का भी एक बड़ा हिस्सा बहुत ही कमजोर रूप से हमारे सामने आता है जिसके लिए हम तैयार होते हैं। इसके साथ ही कई मददगार पहलू भी तो हमारे साथ रहते हैं। भविष्य के गर्भ में पार करने वाली चुनौतियाँ ही नहीं बल्कि हमारी मदद करने वाले घटक भी होते हैं। चीजें खुद ही सही होने लगती हैं। हम किसी भी चुनौती के लिए तैयार हैं और जब जरूरत पड़ेगी तो उसका सामना भी कर लेंगे। ईश्वर ने यदि बाल कटे हुए भेड़ को चिढ़ाने के लिए हवा बनाई है तो आंधी के लिए कटे बालों वाली भेड़ भी बनाई है। आंधी और बालों को कटना एक साथ नहीं होता है। सर्दियों के झोंकों के सामने होने के पहले भेड़ के नए बाल आ ही जाते हैं जो उसकी मदद करते हैं। यह तो साफ हो गया है कि चिंता के 10 में से 9 कारण तो ऐसे हैं जो कभी होते ही नहीं, और जो बाकी होते भी हैं वह बहुत ही छोटे होते हैं। आप अपनी ऊर्जा को भविष्य की परेशानियों के बारे में सोचकर व्यर्थ करेंगे? इसका क्या मतलब है? परेशानियों पर अभी भी चिंता करने से बेहतर यह है कि आप उनका इंतजार करें। आप देखेंगे कि जरूरत पड़ने पर आपके अंदर उस बाधा को पार करने की शक्ति आपके पास मौजूद है। एक औसत पुरुष या स्त्री की सारी ऊर्जा कहाँ खर्च हो रही है, क्या कभी आपने इस बारे में सोचा? चुनौतियों को सच में पार करने में या सिर पर सवार समस्या की चिंता में? सही है ना, हर बार लगता है कि कल होगा पर यह कल कभी नहीं आता और हम उसकी चिंता करते रहते हैं। कल एक प्रकार से ठीक भी है, इसके पंजे में अच्छी और बुरी दोनों चीजें होती हैं। जब भी मैं उन हो सकने वाली चीजों के बारे में सोचता हूँ जिनसे मैं कभी भयभीत रहता था तो मुझे
हंसी आ जाती है, मुझे पता नहीं, मैं तो भूल चुका हूँ। क्या मैं कभी उनसे डरता भी था? चिंता से लड़ने की कोई जरूरत नहीं, अभ्यास करिए और फिर अपने सामने पड़ी किसी भी चीज पर ध्यान लगाइए, आपकी चिंता गायब हो चुकी होगी। मस्तिष्क एक समय में बस एक ही चीज के बारे में सोच सकता है, यदि आप उसका ध्यान किसी अच्छी चीज पर केंद्रित करेंगे तो दूसरी चीज तो खुद ब खुद ही गायब हो जाएगी। प्रतिरोधी विचारों को जीतने के लिए उनसे लड़ने की बजाय दूसरे कई बेहतर उपाय भी हैं। किसी विपरीत परिस्थिति पर अपना ध्यान केंद्रित करिए और आप समस्या का समाधान कर चुके होंगे। पर जब हमारा मस्तिष्क चिंता से भरा होता है तो वह लाभकारी योजना नहीं बना पाता। जब आप अपना ध्यान सकारात्मक सही चीजों पर केंद्रित करेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि इसने आपके अवचेतन में अपना काम शुरू कर दिया है और समय आने पर आपके पास आपकी जरूरत का हर साधन मौजूद है। अपनी मानसिक अवधारणा को सही रखिए और बाकी चीजें खुद जुड़ जाएंगी। चिंता करने का कोई मतलब नहीं, इससे कुछ भी हासिल न तो कभी हुआ है और न ही कभी होगा। उज्जवल, प्रसन्न और आनंदमय विचार उज्जवल, प्रसन्न और आनंदमय चीजों को आकर्षित करते हैं, चिंता उन्हें दूर करती है। सही मानसिक अवधारणा को विकसित कीजिए। के अध्यायों में हमने जाना कि विचारों की दुनिया में आकर्षण के नियम कैसे काम करते हैं, विचार तरंगे और उनकी प्रजनन प्रक्रियाएं क्या हैं, मन की बात, मन की निर्मिति, इच्छा शक्ति का रहस्य, हानिकारक विचारों के आकर्षण से मुक्ति कैसे रहें और नकारात्मक सोच का रूपांतरण कैसे करें। आने वाले अध्याय में हम जानेंगे कि मानसिक नियंत्रण के क्या नियम हैं। अगले अध्याय में जल्दी ही आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए अलविदा।